बड़ी खबर यह है कि खाद घोटाला मामले में आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के बाद से अब ईडी कई ठिकानों पर छापेमारी भी करेगी और दस्तावेजों को खंगालेगी भी। हालांकि इस गिरफ्तारी का आधार वो सबूत रहे हैं जो ईडी के पास पहले से हैं। खाद घोटाला मामला है ये, जिसमें आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बिहार के राज्यसभा सांसद हैं अमरेंद्र धारी सिंह, ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है। खाद घोटाला मामला है और अब इसमें ईडी जांच को आगे बढ़ाएगी। हालांकि ये बड़ी अपडेट है। इस वक्त आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है खाद घोटाला मामले में और अब ईडी तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई है। जितेंद्र शर्मा है मेरे सहयोगी अपडेट के साथ। जितेंद्र, पूरा मामला बताइए। अयोध्या सीबीआई ने सबसे पहले ये मामला दर्ज किया था। सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली थी कि इफको और पोटास के जो ऑफिशियल्स हैं, जो तत्कालीन एमडी हैं, वो कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर के इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर बाहर से फर्टिलाइजर को भारत में आयात कर रहे हैं और उसके बाद जो कमीशन है और जो सब्सिडी है सरकार से लेनी है वो अपने जो तय कीमत है उससे कहीं ज्यादा वो ले करके सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें काफी सारे लोगों की मिलीभगत थी, जो तत्कालीन इफको के चेयरमैन थे और पोटास इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष थे और उसके अलावा काफी सारी जो प्राइवेट कंपनीज है जो कि दुबई में भी रजिस्टर्ड है, भारत में भी रजिस्टर्ड है, ये सब आपस में मिलकर के सरकार को चूना लगा रहे थे जो इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर।